हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.3 प्रारंभ करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं उसके। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और अब आप देखिए, आपके पास पहला भाग में दिए हुए हैं दो समीकरण। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 14 है। सॉरी, यहां पर चार है आपके पास। तो अभी आप ये देखो कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या आपके पास होती है। तो प्रतिस्थापन, जैसा आपके पास नाम से ही पता लग रहा है कि आपको एक पद का मान निकाल के दूसरे पद में रख देना है। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि आपने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर उसको रख दिया। तो अब यहां पर आप देखो कि आपके पास दो समीकरण है, समीकरण संख्या एक और समीकरण संख्या दो। अब यहां पर हम आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको समझाएंगे, पूरा संदेह दूर करेंगे। तो अभी आप देखो, यदि आप चाहते हो, मैं यहां पर केस वन लेके दिखा देता हूं। पहले मेथड वन लिख देता हूं, वेलकम। बेसिकली मेथड तो एक ही रहेगा हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि, लेकिन तरीके अलग अलग हम करेंगे यूज। तो देखिए, अगर आपने पहले मेथड से आप एक्स का प्रतिस्थापन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगी 14 माइनस वाई, और इसको आप तीसरा समीकरण बोल दो। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है कि तीसरा समीकरण और पहला समीकरण दोनों एक ही समीकरण है, बस आपने पहले समीकरण से x का मान निकाला तो आपने 14 माइनस वाई कर दिया, अर्थात x को केवल एक तरफ रखा। तो अब यहां से ये देखो, जब आप दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करोगे तो आप तीसरे समीकरण से जो x का मान है वो दूसरे समीकरण में लगा दोगे। तो समीकरण तीन व दो से, तो आप देखो x का मान लगा दोगे, 14 माइनस वाई माइनस वाई बराबर चार आपके पास हो जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि जो आपने ये वाला स्टेप जो किया है, इसी को आप बोलते हैं प्रतिस्थापन वाला पद, क्योंकि आपने देखी एक्स का मान यहां से उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, तो यही आपके पास प्रतिस्थापित पद होता है। तो अब यहां से आप देखो, केवल वाई और वाई ही आपको दिख रहा है यहां पर, तो आपके पास हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। तो देखो 2y बराबर, ये आपके पास 14 माइनस 4 आ जाएगा, अर्थात 10 आ गया। तो y का मान आपके पास 5 आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास y का मान 5 आ गया, तो अब चाहे आप पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण, किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दो। तो देखिए, अब हम तीसरे समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि वो काफी आसान है, वहां से x निकालना, सीधे एक बार में x आ जाएगा। तो यहां से समीकरण तीन से आप लिखो, तो आपके पास देखो आ जाएगा x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका हल करने पर जो आंसर आएगा वो x का मान 9 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा। तो देखिए, आपने एक विधि से तो इसको हल कर दिया। अब हम दूसरी विधि से हल करते हैं। कुछ छात्रों को यहां ये संदेह हो सकता है कि क्या y x का मान जो आपने प्रतिस्थापित किया है, क्या आप y का मान भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आपको क्या करना है। तो देखो, जैसे मैं पहले समीकरण से y का मान निकाल सकता हूं, वो आपके पास आ जाएगा यहां से y बराबर 14 माइनस एक्स, तो इसको आप समीकरण संख्या जैसे 4 बोल दो। तो अभी हम मेथड वन हमने यहां से किया था, तो ये तो हमारे पास दोनों मेथड में कॉमन ही है, क्योंकि ये तो समीकरण लिखा हुआ है। तो अभी आप देखो, समीकरण 4 व 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि y का मान आप 14 माइनस एक्स समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दोगे। तो y की जगह आप ये रख सकते हो, 14 माइनस एक्स बराबर 4। तो अभी आप देखो, जब आप सरल करोगे तो x माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो देखो, 2x बराबर, इस माइनस 14 को आप प्रतिस्थापित करोगे दाईं तरफ, तो ये 14 प्लस 4 अर्थात 18 आ जाएगा, अर्थात x बराबर आपके पास 18/2, इसका मतलब 9 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास x का मान तो आ गया 9 के बराबर। अब आपको y का मान भी निकालना होगा, तो आप समीकरण संख्या 4 का उपयोग करो। तो देखो, y बराबर 14 माइनस एक्स करोगे, अर्थात 14 माइनस 9 करोगे, तो देखो y का मान आपके पास 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने जो पहले मेथड से हल किया और दूसरे मेथड से हल किया, दोनों मान हमारे पास समान आ रहे हैं, बस इसमें हमने y का मान पहले निकाला, x का मान बाद में आया। इसमें हमने x का मान पहले निकाला और y का मान बाद में किया है। तो ये आपके पास दूसरा तरीका भी हो गया। अब कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि क्या पहले समीकरण से ही x और y का मान लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप दूसरे समीकरण से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दूसरे समीकरण से भी x और y को आप अलग अलग प्रतिस्थापित करके दो और मेथड बना सकते हैं।
लेकिन यहां पर अब मैं आपको केवल एक ही मेथड बता देता हूं दूसरे समीकरण से, तो मेथड तीन आप समझ लीजिएगा। तो देखो मेथड तीन में अब मैं यहां से आप देखिए मैं x का मान लिख देता हूं, x का मान आप देखिए दूसरे समीकरण से मैंने लिख दिया चार प्लस वाई। तो अब इसको आप समीकरण संख्या पांच बोल दो, तो अभी आप समीकरण संख्या पांच व समीकरण संख्या एक सेल करेंगे। ध्यान रखें समीकरण दो और समीकरण पांच बिल्कुल एक ही हैं, बस आपने यहां पर x का मान निकाला है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा चार प्लस वाई बराबर चौदह के बराबर, क्योंकि देखिए आपको यहां पर x का मान जो ये था x, उसकी जगह आपने चार प्लस वाई यहां पर रख दिया है। तो देखो आपके पास ये आ गया चार प्लस दो वाई बराबर चौदह। देखो दो वाई बराबर आपके पास चौदह माइनस चार अर्थात दस आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास y बराबर पांच आ जाएगा। अब आपको x का मान निकालना पड़ेगा, तो अब आप समीकरण संख्या पांच का यूज करो, तो आपके पास x आ जाएगा चार प्लस वाई अर्थात चार प्लस पांच, मतलब x का मान आपके पास नौ आ जाएगा। तो आप देखो समीकरण संख्या सॉरी मेथड तीन से भी आपके पास x और y के मान बिल्कुल वही आए हैं जो आपने मेथड वन या मेथड टू से निकाले हैं। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, आप किसी भी मेथड से अर्थात किसी भी समीकरण से किसी भी मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चलिए अब हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मतलब प्रश्न संख्या एक के दूसरे वाले भाग पर। तो देखिए दूसरे वाले भाग में जो आपको दो समीकरण दिए हुए हैं वो हैं s माइनस टी बराबर तीन, और दूसरा समीकरण है s बटे तीन प्लस टी बटे दो बराबर छः। तो देखो इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दो और इसको समीकरण संख्या दो बोल दो आप। अब यहां पर भी आप कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। तो देखिए पहले भाग में मैंने आपको जो तीन मेथड बताए वो केवल समझाने के लिए थे, आपका संकोच दूर करने के लिए थे। अब इसमें आप देखो तो आप केवल एक ही मेथड से हल करोगे, और अब आपको यह भी सोचना है कि आपके पास थोड़ी गणना कम होनी चाहिए, आप जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है जब आप यहां से s या t के मान निकालेंगे तो आप जल्दी हल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहां से निकालोगे दूसरे समीकरण से तो यहां पर थोड़ा तो आपको गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको लासापा तो लेना ही पड़ेगा s और t का अलग से मान निकालने के लिए। इसलिए आप समीकरण संख्या एक से देखो, समीकरण संख्या एक से आपके पास आ जाएगा s बराबर टी प्लस तीन, तो इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दो। तो अभी आप समीकरण संख्या दो व तीन से हल करो, दो व तीन से। तो देखो अब आप s का मान प्रतिस्थापित कर दोगे दो में, तो आपके पास आ जाएगा t प्लस तीन बटे तीन प्लस टी बटे दो बराबर छः। तो देखिए जब आप लासापा लोगे तो आपके पास हो जाएगा दो गुणा टी प्लस तीन गुणा दो अर्थात छः प्लस तीन गुणा तीन बराबर, देखो लासापा छः आएगा बराबर छः आ गया। तो यहां से पांच टी, ये आपके पास पांच लिखा हुआ है ध्यान रखें, प्लस छः बराबर छः का गुणा आप छः से कर दोगे, तिरछा गुणा करेंगे आप तो छत्तीस आ गया। तो पांच टी बराबर आपके पास तीस आ गया। तो यहां से देखिए आपके पास टी का मान तीस बटे पांच अर्थात छः आ जाएगा। तो देखिए टी का मान आपने बहुत ही खूबसूरती से निकाल दिया। अब आप एस का मान निकालोगे, तो आप किसी भी समीकरण में एस का मान रख सकते हो, लेकिन अगर तीसरे समीकरण में आप रखोगे तो एस का मान एक बार में आ जाएगा। तो देखिए समीकरण तीन से, समीकरण तीन से आप देखो आपके पास लिखा हुआ है s बराबर t प्लस तीन। तो देखिए अब आप t का मान यहां पर रख दोगे तो आपके पास s का मान आ जाएगा 6 प्लस तीन अर्थात अब आपके पास s का मान 9 आ जाएगा। तो आपको हल करना था अर्थात s और t के मान निकालने थे, जो कि आपने सफलतापूर्वक निकाल भी दिए हैं। चलिए तीसरे प्रश्न भाग को देख लेते हैं इसके। इसमें आपको दो समीकरण दिए हुए हैं तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, ये आपने पहला भाग बोल दिया, और दूसरा भाग है नौ एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ, ये आपने दूसरा भाग बोल दिया है यहां से। तो अभी आप ये देखो कि जब आप पहले या दूसरे भाग से किसी से भी एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं अलग से। तो देखो अगर हम पहले समीकरण से देखेंगे तो अगर आप वाई का मान निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा तीन एक्स माइनस तीन के बराबर, इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दो। तो अभी आप समीकरण दो व
तीन को हल करते हैं। तो आपने लिख दिया समीकरण दो व तीन से। तो देखो अब आप समीकरण दो में y का मान रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 3। वाई का मान आप देख सकते हो 3x माइनस 3 है बराबर 9 आ गया। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 9x माइनस, जब 3 का गुणा आप 3x करोगे तो 9x आ गया, और देखो माइनस और माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा किया तो 9 बराबर 9 आपके पास आ गया। तो आप देख रहे हो 9 बराबर 9 आ गया आपके पास, या आप बोल सकते हो बेसिकली अगर आप 9 को पक्षांतर कर दोगे तो 9 माइनस 9 अर्थात 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास 0 बराबर 0 आए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आपके पास हमेशा सत्य हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमेशा सत्य का मतलब है कि दोनों समीकरण एक ही हैं। अब एक ही हैं का मतलब क्या है तो उसको हम समझ लेते हैं यहां पर। तो देखो या मैं यहां पर लिख देता हूं संपाती रेखाएं। तो अब देखो समझ भी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि संपाती रेखाएं हैं। देखो अगर आप पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दो दोनों तरफ तो आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9। और आप देखो जो दूसरा समीकरण है और जो पहला समीकरण है वो आपके पास बिल्कुल समान है। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक ही हो जाएंगी। अगर एक रेखा एक ये होगी तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, मतलब संपाती रेखाएं हो गई आपके पास। तो ऐसे केस में आपके पास इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अनंत हल आपके पास संभव होंगे। चलिए अब हम भाग चार पर बढ़ लेते हैं। इस भाग में भी आप देखिए आपको दो समीकरण दिए हुए हैं रैखिक समीकरण। पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और देखिए दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप इसको और सरल कैसे कर सकते हो। तो यदि आप इसको थोड़ा सरल करके लिखोगे तो आप लिखोगे 2x बटे 10, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पॉइंट आपने हटाया तो 10 आ गया। 0.3y था तो आपने ये पॉइंट हटाया तो आपके पास 10 यहां पर आ गया हर में। इसी तरीके से 1.3 बटे 1 होता अगर हर में कुछ भी नहीं है, तो आपने हटाया तो 10 आ गया। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो देखो 10 तो सबके हर में है, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, तो आपके पास ये केवल रह जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 के बराबर हो गया। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दो। अब इसी तरीके से आप दूसरे समीकरण को देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 0.4x बटे 1 होगा, पॉइंट आपने हटाया तो 10 बन गया नीचे। इसी तरीके से 0.5y बटे 1 होगा, क्योंकि हर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिखते हो, जब आप पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आ गया। और 2.3 बटे 1 होगा, जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो यह 0 हो जाएगा। आपने देखा बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ हर में 10 आ ही रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y बराबर आपके पास 23 आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो। अब चूंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था तो अभी आप देखो यहां पर आपको ये संदेह नहीं करना है कि ये वाला समीकरण और जो आपने ये समीकरण लिखा है ये अलग अलग हैं। आपको देखने में भले ही अलग लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल ही समान समीकरण है, बिल्कुल एक जैसे समीकरण है, बस देखने में आपको अलग लग रहा है। इसी तरीके से ये वाला समीकरण और दूसरा समीकरण भी बिल्कुल एक ही है। तो बेसिकली इस प्रश्न को हल करने का मतलब यह हुआ कि हम एक और दो समीकरणों को हल कर देते हैं। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप देखिए हम समीकरण एक से आप x व y किसी का भी मान लिख सकते हैं, एक या दो किसी से भी। जैसे मैं समीकरण एक से देखो 2x आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 3y। अब चूंकि आपको तो x का मान निकालना होगा तो वो आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 के बराबर। तो अभी आप इस x का मान समीकरण संख्या 2 में रख दीजिएगा। तो देखिए अब आप x की जगह रख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2, तो 4 गुणा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23 आपके पास आ गया। फिर आप देखिए कि 2 से ये 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 आ जाएगा। तो आप देखो कि जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास माइनस वाई आया, और 26 को आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो 23 माइनस 26 अर्थात माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास वाई बराबर 3 आ जाएगा।
अब वाई बराबर तीन का मान आप इसकी जगह रख दोगे, तो इसको यदि मैं समीकरण संख्या तीन बोल दूं, तो अब आप समीकरण तीन में वाई का मान रख दोगे, तो देखो आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर तेरह माइनस तीन वाई है, अर्थात तीन गुणा तीन नौ हो जाएगा बटे दो, एक्स बराबर तेरह माइनस नौ आप जानते हो चार होगा बटे दो, तो देखो ये आपके पास दो आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास एक्स का मान भी आ चुका है जो कि दो के बराबर हो जाएगा। तो आपको चूंकि x और y के मान निकालने थे तो आपने x और y के मान यहां से हल कर दिए हैं। यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि क्या हम पॉइंट को या दशमलव को ना हटाते तब क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी हम इसको हल करके देख लेते हैं, मेथड वन है और मेथड टू देख सकते हैं। तो देखो इसको भी हम जल्दी से हल करके देख लेते हैं। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको समीकरण दिया हुए थे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दो, और आपके पास ये दिया हुआ था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको आपने समीकरण संख्या दो बोल दिया। फिर आप देखो कि अगर आप समीकरण संख्या एक से x का मान निकालते हैं, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, हम इसको बार बार बोल रहे हैं, एक्स या वाई किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर x का मान निकालता हूं तो 0.2x आपके पास हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, तो चूंकि x का मान निकालना है तो 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 आपके पास आ जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दो। तो अभी आप समीकरण संख्या 2 व 3 से सॉल्व करोगे, तो 2 व 3 से हम यहां लिख देते हैं। तो देखो अब आप समीकरण संख्या 3 में x का मान ये लगा दोगे क्योंकि यही तो प्रतिस्थापन होता है, तो आप देखो आपके पास आ जाएगा 0.4 x का मान आप लगा दो, 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2 प्लस 0.5 y बराबर 2.3। फिर आप देखिए कि पॉइंट से पॉइंट आपके पास हट गया और 2 से 4 ये दो बार कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से देखिए जब आप इसको हल करोगे तो 2 का गुणा आपको इस कोष्ठक के अव्यवों में करना पड़ेगा, तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 आ गया। तो देखो जब आप इसको हल करोगे इन दोनों को तो 0.1y आएगा लेकिन माइनस का, और ये 2.3 माइनस 2.6 हो जाएगा क्योंकि आप 2.6 को पक्षांतर कर रहे हो दाईं तरफ। तो देखिए आपके पास यहां से आ जाएगा माइनस का 0.1y बराबर माइनस का 0.3, तो देखो माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हो y का मान आपके पास 0.3 बटे 0.1 आ जाएगा, दशमलव आप हटा सकते हो, तो y बराबर आपके पास 3 आ गया। अब आप y बराबर 3 जो आपके पास आया है आप समीकरण संख्या 3 में रख दीजिएगा। तो देखिए यहां पर हम रख देते हैं समीकरण संख्या 3 में, तो x बराबर यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 3 से x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा 3 आ गया क्योंकि y का मान है, बटे 0.2 आपके पास यहां से आ गया है। तो देखो x बराबर इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.3 माइनस 0.9 बटे 0.2, x बराबर यहां से देखो 0.4 बटे 0.2 आ गया, इसको भी आप कर दोगे तो x बराबर 4 बटे 2 अर्थात 2 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि x का मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखो आपने दो मेथड से इसको हल कर लिया, मतलब एक बार दशमलव हटाया और एक बार नहीं हटाया, और दोनों केस में आप देखिए x बराबर 2 आपके पास आ रहा है और y बराबर 3 आपके पास आ रहा है। तो देखिए अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में भी आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0। तो देखो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दो और इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो। आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है। कुछ छात्रों को यह दिक्कत हो सकती है कि अंडर रूट वाले सवालों को कैसे करें, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल जैसे करते आए हैं अभी तक वैसा ही करेंगे। तो देखिए पहले वाले समीकरण से हम अंडर रूट 2x अर्थात x का मान निकालेंगे, तो देखो माइनस का अंडर रूट 3y आ गया, तो x बराबर आप देखिए माइनस का अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2
वाई आपके पास आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दो। तो अगर आप समीकरण दो व तीन से हल करोगे तो आप पाओगे कि समीकरण दो में आप x का मान ये रख दोगे, क्योंकि यही तो प्रतिस्थापन विधि बोलती थी। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट तीन, एक्स का मान आप रख रहे हो माइनस का अंडर रूट तीन बटे अंडर रूट दो वाई माइनस अंडर रूट दो वाई बराबर जीरो। तो आप देखो कि अंडर रूट दो से, सॉरी ये तो आपके पास कैंसिल ही नहीं होगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का तीन वाई बटे अंडर रूट दो माइनस का अंडर रूट दो वाई बराबर जीरो। तो आप देखो माइनस का तीन वाई जब आप लासापा लोगे तो आपके पास माइनस दो वाई बराबर जीरो आ जाएगा और बटे अंडर रूट दो आपके पास यहां से आ गया। फिर आप देखिए कि ये आपके पास आ गया माइनस का पांच वाई। अब देखो अंडर रूट दो को तो आप इधर भेज दोगे तो तिरछा गुणा आपने किया तो ये तो जीरो ही बन गया, तो वाई का मान आपके पास यहां से जीरो आ जाएगा। अब चूंकि वाई का मान तो आपके पास आ गया, अब आपको एक्स का मान भी निकालना होगा, तो आप समीकरण तीन का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए समीकरण तीन से अब हम एक्स का मान निकालेंगे, अर्थात वाई का मान आप समीकरण तीन में रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट तीन बटे अंडर रूट दो गुणा जीरो। और आप जानते हो कि जीरो का गुणा आप किसी भी संख्या से करोगे तो आपके पास हमेशा जीरो के बराबर ही आएगा, अर्थात एक्स का मान भी इस तरीके से आपके पास जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पांचवा भाग भी हल हो चुका है। चलिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग अर्थात भाग संख्या छह पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी आपने देखा कि आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं, तीन एक्स बटे दो माइनस पांच वाई बटे तीन बराबर माइनस दो, और दूसरा समीकरण आपके पास दिया हुआ है एक्स बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छह। तो देखिए आपके पास यहां पर चॉइस है, चॉइस ये है कि आप लासापा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात अगर आप लासापा लें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ना लें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बिना लासापा लिए हल कर रहा हूं क्योंकि तो छात्रों को इसमें थोड़ा कठिनाई हो सकती है कि क्या दोनों में सेम आंसर आएगा, तो लासापा लेके तो ये काफी सरल हो जाएगा, लेकिन अभी हम बिना लासापा लिए करते हैं। तो देखो पहले समीकरण से आप देख रहे हो कि तीन एक्स बटे दो आपके पास हो जाएगा माइनस का दो प्लस पांच वाई बटे तीन। तो देखो आपको तो एक्स का मान निकालना है, तो तीन एक्स बटे दो आपके पास हो जाएगा माइनस का छह प्लस पांच वाई बटे तीन के बराबर। तो यहां से आप देखो एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा दो गुणा माइनस का छह प्लस पांच वाई बराबर, देखिए तीन का गुणा आप तीन से कर दोगे क्योंकि आपने तिरछा गुणा किया है, तो नौ आ गया। अर्थात यहां से आप देख रहे हो एक्स का मान आपके पास हो जाएगा माइनस बारह प्लस दस वाई बटे नौ के बराबर। तो आप इसको समीकरण संख्या तीन बोल दो। अब चूंकि आपने समीकरण संख्या तीन अर्थात एक्स का मान अलग से निकाल लिया, तो अब आप समीकरण दो व तीन से हल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण दो में जहां जहां आप एक्स आपको मिले वहां वहां आप समीकरण तीन का यूज करें अर्थात मान रख दें। तो देखिए आपके पास एक्स मिला है यहां पर, तो आप एक्स का मान रखोगे माइनस का बारह प्लस दस वाई बटे नौ। या आपने एक्स का मान रखा है लेकिन देखिए बटे तीन भी है, तो आपने बटे तीन भी कर दिया प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः आपके पास आ गया। तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर पहले मैं एक रेखा बना देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको हल कर सकें। तो देखिए माइनस बारह प्लस दस वाई, तो ये नौ गुणा तीन हो जाएगा तो ये सत्ताईस हो गया, प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः आ गया। तो देखिए जब आप लासापा लोगे तो सत्ताईस और दो का लासापा तो आप जानते ही हैं चौवन आएगा। तो देखिए चौवन लासापा लेने के लिए आप देखिए हर में तो चौवन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस का चौबीस प्लस बीस वाई प्लस सत्ताईस वाई बराबर देखिए तेरह बटे छः हो जाएगा। तो छः से अगर आप इसको कट करोगे तो नौ बार कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास। फिर आप देखिए आपके पास बीस वाई और सत्ताईस वाई मिलकर सैंतालीस वाई हो गया, देखिए माइनस चौबीस भी है बराबर, ये आपके पास प्लस का चिन्ह है इसको आप ध्यान रखें, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये आपके पास 13 गुणा 9 आ जाएगा अर्थात 117 के बराबर। तो अभी आप देखो कि 47y बराबर 117 प्लस 24 आ गया अर्थात 47y बराबर आपके पास 141 आ जाएगा। तो आपने देखा y का मान 141 बटे 47 आ गया और वो आप जानते हो कि ये आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा, अर्थात
वाई आपके पास 3 हो जाएगा। अब वाई का मान चूंकि आपने निकाल लिया, तो अब आप एक्स का मान तो समीकरण 3 से हल करके निकाल ही सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको हल कर देता हूं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से आप देखो, आपके पास x बराबर -12 प्लस 10y है, अर्थात 10 गुणा 3 आपके पास हो गया, क्योंकि y का मान तो 3 था, बटे 9। तो x बराबर -12 प्लस, अब 10 गुणा 3 तो आप जानते ही हैं 30 आ गया, बटे 9 हो जाएगा। फिर आप देखो कि जब आप इसको थोड़ा और सरल करोगे तो 30 माइनस 12 18 हो जाएगा, तो ये 18 बटे 9 आ गया, अर्थात ये हल करने पर आपके पास x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस अंतिम भाग में भी x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण है, वो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दो, और 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो। तो फिर आप ये देखो कि अब यहां से आपको इसको हल करना है, क्योंकि आपको बोला गया है इसको आपको हल करना है। तो हल करने का मतलब तो ये हुआ कि आपको x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास दो चर हैं x और y और दो समीकरण हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहले समीकरण से x का मान निकालें, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब चूंकि आपको तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा, तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा। तो अभी देखिए दो जब चर हों और दो सरल रेखाएं आपके पास दी गई हों, तो ध्यान रखो कि आपके पास सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन अभी तक आपने केवल प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, तो हम उसी विधि से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। आगे आने वाली प्रश्नावलियों में आप और भी विधियों को सीखेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि को यूज करेंगे, अर्थात अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को ही हल करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो आपने 3 निकाला है, तो बेसिकली 1 और 3 तो बराबर ही हुए। तो देखो अभी आप समीकरण 2 व 3 से देखो, आप समीकरण 2 में आपने देखा 2 गुणा एक्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, तो एक्स का मान तो आप 3 से ये लिख सकते हो, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस, अब देखिए 4y आ जाएगा बराबर -24 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो देखो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो ये माइनस इसको हम थोड़ा बीच में लगाते हैं, तो अभी आप देख सकते हो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35। तो यहां से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई का मान आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपने देखो y का मान आसानी से निकाल दिया, लेकिन हल करने का मतलब तो ये होता है कि आपको x और y दोनों का मान चाहिए होता है। तो अब आप समीकरण 3 से देख सकते हैं, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, x का मान आप देखो 11 माइनस 3 y है आपके पास, तो y का मान तो आप 5 लगा दोगे, अर्थात 3 गुणा 5 आपने कर दिया, बटे 2 आ गया। तो देखो 11 माइनस 3 गुणा 5 जब आप हल करोगे तो 15 बटे 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो x बराबर आपके पास माइनस का 4 बटे 2, अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास x का मान भी आसानी से आ गया -2। तो अब हल करने को आपसे बोला गया था, तो आपने x और y के मान निकाल दिए, -2 x का मान है और y का मान 5 आया है। अब आप आगे देखो, आपसे आगे बोला गया है कि आपको m का मान निकालना है जबकि y बराबर mx प्लस 3 आपको दिया हुआ है, तो आप x और y के मान यहां पर लगा दोगे। तो मैं इसको यहां पर हल कर देता हूं, तो आप देखिए यहां पर आपके पास है y बराबर mx प्लस 3। अब आप x और y के मान लगा दो यहां पर, तो x का मान आपने -2 निकाला है, y का मान 5, तो 5 बराबर -2 m प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि x का मान -2, तो गुणा m से किया, तो ये आपके पास आ गया। तो -2 m देखिए आपके पास 5 माइनस 3 अर्थात 2 के बराबर आ गया। तो अब आपने देखा -2 m आपके पास 2 के बराबर आ चुका है, तो यहां से अगर आप m का मान निकालोगे तो वो 2 बटे -2 अर्थात
माइनस एक के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या दो भी हल कर दिया m का मान निकालकर। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीन पर। तो देखिए प्रश्न संख्या तीन में आपको बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन विधि का आपको उपयोग करना है। तो आप देखो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखो आपके पास दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो अब अंतर का मतलब होता है किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाना, और साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है अंतर का मतलब यह है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हो। तो अगर आपने संख्याएं x और y मान ली, तो आप यहां पर पहले से अगर मान लेते हैं x ग्रेटर देन y है, मतलब x y से बड़ा है, तो अब चूंकि अंतर आपको लिखना है अर्थात आप x माइनस y लिखोगे, और वो आप देख रहे हो पहले कथन में आपको 26 के बराबर दिया है, इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दो। अब आप दूसरा कथन देख रहे हो, तो वहां पर आपको दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो यह स्वाभाविक है आपके पास कि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, अर्थात बड़ी वाली संख्या x ही आएगी, तो x बराबर तीन गुणा दूसरी संख्या अर्थात y के बराबर हो गया यहां से, तो इसको आप समीकरण संख्या दो बोल दीजिएगा। अब यहां से आप देखो आपको उन संख्याओं को ज्ञात करना था, तो यहां मैं लिख भी देता हूं, माना संख्याएं आपने x तथा y मानी थी, अब x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं, और आप देखो दो ही आपके पास समीकरण है और दो ही आपके पास चर है, तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। लेकिन आपको बोला गया था कि प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब है आप समीकरण एक व दो से, अब देखो यहां पर आपके पास x का मान अलग से पहले ही दे रखा है 3y, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल समीकरण एक में x की वैल्यू 3y लगा दोगे, माइनस y बराबर 26 आ जाएगा। तो आप देखो 2y बराबर आपके पास यहां से 26 आ गया, अर्थात y बराबर 26 बटे 2, इसका मतलब 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास y का मान तो आ गया। तो अब चूंकि y का मान आपके पास आ गया, अब आपको तो संख्या निकालनी थी दूसरी वाली भी, इसलिए आप x का मान भी निकालोगे। तो अभी आप देखोगे समीकरण दो से, आप चाहें तो समीकरण एक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन समीकरण दो में हम सीधे x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x बराबर 3 गुणा y था, अर्थात 3 गुणा 13, मतलब x का मान हमारे पास 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x का मान भी आ जाएगा। तो x और y का मान आ गया, अर्थात आपके पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, तो जो दो संख्याएं आपके पास आएंगी वो आपके पास हो जाएंगी 39.13 के बराबर। तो इस तरीके से आपका ये पहला भाग हल हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा भाग, दूसरे भाग में आपको यहां पर बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि आपको दो संपूरक कोण दिए गए हैं और एक बड़ा है एक छोटा है, आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो आप मान लीजिएगा बड़ा कोण जो आपके पास है उसको आपने एक्स मान लिया, और अगर छोटा कोण आपको मानना होगा तो आप मान लीजिएगा वो आपके पास वाई आ चुका है। तो आपने x और y बड़े और छोटे कोण तो क्रम से मान लिए। अब यहां पर आप देखो कि आपको क्लियरली बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां पर छात्रों को संदेह ये होता है कि 18 कहां जोड़ना है, तो इसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बातें दोनों आपको बराबर करनी है। तो अब x तो आप देख रहे हो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बराबर तो तब आएंगे जब आप इसमें 18 जोड़ दो। तो इसका मतलब आपने वही लिख दिया जो आपको बोला गया था, अर्थात बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखे, तो आपने बड़ा बराबर छोटा कोण प्लस 18 कर दिया है। तो यहां पर मैं इसको अलग से लिख देता हूं बस एक बार, x बराबर y प्लस 18। तो ये आपके पास समीकरण संख्या एक हो गया। अब यहां से आप देखो आपको दूसरा समीकरण भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दो चर हैं, एक छोटा कोण है एक बड़ा कोण है, तो आपके पास दो समीकरण तो होने ही चाहिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर आपको दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया गया है,
तो अब जब आप गौर से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि आपको दिया हुआ है दो संपूरक कोण, और संपूरक कोण से यहां पे आपको हिंट मिलेगी, और हिंट ये है कि अगर संपूरक कोण दिए हुए हैं तो आपने पढ़ा था कक्षा 9 में कि दो संपूरक कोणों का योगफल, मैं यहां लिख देता हूं, दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपने पढ़ा था कक्षा 9 में, तो अब बस आपको इस बात का यूज करना है। तो अब x और y चूंकि संपूरक कोण भी हैं, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो। तो अब यहां से आप देखो कि आपको उन्हें ज्ञात करना है, तो दो समीकरण हैं और दो चर हैं आपके पास। तरीके बहुत सारे होते हैं हल करने के, लेकिन अभी तक आपने केवल प्रतिस्थापन विधि सीखी है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करते हैं। तो देखो, अगर आप इसको हल करोगे तो समीकरण 1 व 2 से, अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है आप सीधे एक चर का मान अलग से निकाल लो। तो देखो, ये तो पहले से ही हमको निकला हुआ है अलग से, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी यहां पर। तो यहां से देखो, x का मान आप सीधे y प्लस 18 लगा दोगे समीकरण 2 में, तो y प्लस 18 आपने x की जगह लिख दिया, प्लस y तो आपने वो भी लिख दिया, बराबर ये आपके पास 180 आ चुका है। तो यहां से देखो, 2y बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा, और यदि आप 180 में से 18 घटाओगे तो आपके पास 162 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास y का मान देखिए यहां से 81 आ जाएगा, क्योंकि 162 बटे 2 81 आपके पास हो जाएगा। तो अभी देखिए, आपने 81 तो आसानी से निकाल लिया y का मान, अर्थात y अब देखिए छोटा कोण था आपके पास, अब आपको बड़ा कोण भी निकालना है। तो इसलिए अब आप समीकरण 1 व 2 कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बस लेकिन एक यूज करेंगे तो देखिए उसमें सीधे सीधे आपको x का मान आ जाएगा। तो देखिए, आपके पास समीकरण 1 से हो जाएगा x बराबर y प्लस 18, और y का मान आप 81 रखा दोगे प्लस 18, तो x का मान यहां से 99 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने x और y के मान निकाल लिए, अर्थात बड़ा कोण, आप देखिए बड़ा कोण आपके पास हो जाएगा 99, लेकिन ध्यान रखें डिग्री होगा ये, क्योंकि कोणों की बात कर रहे हैं हमें, तो डिग्री रखना होगा। और जो छोटा कोण होगा वो आपके पास y का मान होता था, क्योंकि आपने y का मान ही माना था छोटा कोण, तो वो आपके पास 81 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा भाग भी हल हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए, तीसरे भाग को अब हम पढ़ लेते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास 7 बल्ले और 6 गेंदें का मूल्य दिया हुआ है, और दूसरे कंडीशन में आपको 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य दिया गया है, तथा आपसे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा गया। प्रत्येक का मतलब है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। तो देखिए, माना एक बल्ले का मूल्य आपने x मान लिया, और स्वाभाविक सी बात है सब कुछ रुपए में दिया है, तो आपने x रुपए इसको मान लिया। चूंकि अब आपने एक बल्ले का मूल्य मान लिया है, इसी तरीके से आप एक गेंद का मूल्य भी मान लीजिएगा, और वो आपने y रुपए मान लिया। तो अब चूंकि आपने बल्ले और गेंद का मूल्य x और y मान लिया है, तो अब देखो आप कंडीशन बनाओगे। कंडीशन 1 मतलब पहली जो शर्त आपको प्रश्न में दी हुई है, वो शर्त है आपके पास कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मूल्य आपके पास 7x हो जाएगा, क्योंकि आप देखो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो गया, प्लस 6 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। तो ये आप देखो आपको दिया हुआ है 3800 रुपए, तो आपने 3800 के बराबर इसको लिख दिया है। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से आप देखो कंडीशन दो अर्थात जो आपको प्रश्न में दूसरी शर्त दी हुई है, तो देखो आप देख पा रहे हो आपको बोला गया है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। तो अब देखो 3 बल्ले हैं अर्थात 3x, प्लस 5 गेंदें अर्थात 5y, तो इनका योगफल आप देखो 1750 रुपए होना चाहिए। तो ये आपने 1750 के बराबर यहां से कर दिया। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल सकते हैं। अब आप प्रश्न में देख रहे हो कि आपको तो बोला गया है कि प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात x और y का मूल्य ज्ञात करना है।
तो अब दो चर हैं x और y और आपके पास देखो दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, तो हल करने के तो आपके पास काफी तरीके हैं, लेकिन अभी तक आपने केवल प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, तो हम केवल प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पहले समीकरण को थोड़ा सरल करोगे तो आप x का मान या y का मान किसी एक का मान निकाल लो। तो चलिए हम जैसे x का मान निकालते हैं, तो 7x आपके पास आ जाएगा 3800 माइनस 6y। अब चूंकि आपको तो x का मान निकालना है अलग से, तो देखो x बराबर आपके पास आ गया 3800 माइनस 6y बटे 7 के बराबर। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दो। अब बस समीकरण संख्या 2 व 3 से अब हम इसको हल कर लेंगे, समीकरण 2 व 3 से। तो अभी देखो आप कि x का मान ये जो 3 में आया है वो आप 2 में लगा दोगे, यही तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि होती थी कि एक का मान आपने उठाया और दूसरे में लगा दिया। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 गुणा x है यहां पर, तो देखो x का मान आप ये लगा दोगे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस, अब देखो 5y लिखा हुआ है, बराबर 1750। तो आपने ये लिख दिया। अब केवल आपको इसको सरल करना होगा, अर्थात केवल आपको y का मान निकालना है इससे। तो देखिए 3 गुणा 3800 यदि आप करोगे तो आपने उसको ऐसे लिख दिया माइनस, अब देखो 3 का गुणा आप 6y में भी करोगे तो 3 गुणा 6y आपके पास आ गया बटे 7 आपके पास चल रहा है प्लस 5y बराबर 1750 आपके पास हो गया है। इसको मैं प्लस को यहां पर लगा देता हूं क्योंकि बीच में आना चाहिए प्लस यहां पर। तो अभी आप ये देखो जब आप लासापा लोगे तो लासापा तो आपके पास 7 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी नहीं दिया अर्थात 1 दिया हुआ है। तो देखो 38 गुणा 3 यदि आप करोगे तो आपके पास 114 आएगा, तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि देखिए ये लग रहे थे माइनस, ये देखो आपके पास 18y आ गया प्लस, यहां से आपके पास 35y आ जाएगा क्योंकि आपने लासापा लिया है, तो आप 5y में 7 का गुणा कर देते थे तो ये 1750 आ गया। फिर आप देखो जब आप अंश को हल करोगे तो 35y में से 18y घटाओगे तो 17y, 11400 को आप ऐसे लिख दो अभी प्लस, ये आपने कर दिया बराबर। जब आप तिरछा गुणा करोगे अर्थात 7 का गुणा आप 1750 से करोगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा यहां 0, यहां 5 और यहां 122, अर्थात 12250 आएगा। तो अब चूंकि आपको तो y का मान निकालना है तो देखिए 17y बराबर, अब 11400 को तो आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दोगे तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 11400। तो अभी आप देखिए 17y बराबर, देखिए यहां पर 0 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा और जब आप 122 में से 114 घटाएंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। आपको केवल इसको घटाना है, आप कैसे भी इसको घटा सकते हैं पर ढंग से थोड़ा घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 850 बटे 17, अर्थात देखो 17 से ये 5 बार और ये 0, तो 50 आ गया। इसका मतलब y का मान आपके पास 50 रुपये आ चुका है। अब आपको y के साथ साथ x का मान भी तो निकालना है, तो देखिए अब आप किसी भी एक समीकरण में x y का मान लगा दोगे तो देखिए मैं तीसरे में लगा देता हूं क्योंकि यहां से सीधे x आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपके पास x का मान था 3800 माइनस 6y बटे 7, तो अब आप y का मान लगा दो इसमें तो आपके पास हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 का गुणा जब आप y अर्थात 50 से करोगे तो आपके पास 300 आ जाएगा बटे 7। तो देखो 3800 में से यदि आप 300 घटाओगे तो आपके पास 3500 आ जाएगा बटे 7, तो यहां से आपके पास 500 आ गया है, अर्थात आपने x का मान भी निकाल दिया है जो कि आपके पास 500 आया है। यहां से x और y का मान आप देखिए, आपने x और y माना था, x आपने बल्ले का मूल्य माना था एक और y आपने एक गेंद का मूल्य माना था, अर्थात एक बल्ले का मूल्य आपके पास आ जाएगा x अर्थात 500 रुपए, तो मैं यहां पर रुपए 500 लिख देता हूं। और इसी तरीके से जब आप एक गेंद का मूल्य निकालेंगे तो वो आपके पास y माना था, तो y देखिए आपके पास 50 आया है, तो यहां हम रुपए 50 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये अपने आंसर हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का अब हम चतुर्थ भाग देख लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त
चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आपको बोला गया है आगे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹150 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। तो आपको नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है कि वो क्या होगा। और आपको आगे दिया हुआ है कि यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसके लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर आपको बोल दिया गया कि एक नियत भाड़ा तो आपको लगेगा ही लगेगा, ये तो आपके पास फिक्स है। और अगर आप जो दूरी चलेंगे उसके हिसाब से आप देखिए, आपको लिखा हुआ है कि दूरी पर आपको अलग से भाड़ा और देना है। तो देखिए हम मान लेते हैं सबसे पहले कि नियत भाड़ा आपके पास x है और स्वाभाविक सी बात है वो x रुपए में ही आपके पास आएगा, क्योंकि सब कुछ आप देख सकते हैं रुपए में ही आपके पास चल रहा है। फिर आपको देखिए दूरी के हिसाब से भी भाड़ा मानना पड़ेगा, तो आप मान सकते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया y रुपए। तो आप देखो कि पहली जो शर्त आपको दी हुई है प्रश्न में, उसमें बोला गया है कि देखिए 10 किलोमीटर के लिए आपको ₹105 देने हैं। इसका मतलब देखो नियत भाड़ा तो वो तो हमेशा लगना ही लगना है, प्लस अब आप चूंकि 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए आपके पास भाड़ा 10y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए आप देखो भाड़ा आपने y रुपए माना है, इसलिए 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। तो अब ये मिला के अर्थात नियत भाड़ा और दूरी के हिसाब से भाड़ा मिलाकर आपके पास ₹105 हो गया है। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दो। अब इसी तरीके से आप देखोगे द्वितीय कथन आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है, तो उसमें भी आपके पास नियत भाड़ा तो फिक्स ही रहेगा x और 15y आप जोड़ दोगे जो कि आपके पास 155 आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब यहां से आप देखो कि आपको समीकरण संख्या 1 और 2 को हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि का हम यूज करते हैं, तो देखो पहले समीकरण से मैं x को 105 माइनस 10y लिख सकता हूं, और अब मैं द्वितीय समीकरण और इस x का मान लिख दूंगा। तो देखो यही तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि होगी कि आप x का मान उठाकर इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो इस तरीके से देखो माइनस का 10y और 15y प्लस का ये आपके पास 5y आ गया। और देखो 105 को यदि आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो 155 माइनस 105 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से 5y आपके पास 50 के बराबर आ जाएगा और आप देखो y का मान आपके पास ₹10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास y का मान आ गया। अब आपको बोला गया था कि आपको तो नियत भाड़ा भी बताना है, तो नियत भाड़ा तो आपके पास x था, तो आप इसमें y का मान रख दोगे। तो देखिए x बराबर यह आ जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 10, क्योंकि y का मान आपने 10 रख दिया। तो देखो x बराबर 105 माइनस ये आप हल करोगे तो 100 आ जाएगा गुणा करने पर, तो x का मान ₹5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नियत भाड़ा तो आपके पास ₹5 होगा, अर्थात ये तो आपके पास फिक्स है और आपको फिर ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना होगा। तो देखिए आपने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो निकाल दिया, अर्थात x और y के मान आपने निकाल दिए हैं। अब अगर आप आगे प्रश्न को पढ़ते तो उसमें आपको बोला गया था कि 25 किलोमीटर भाड़े के लिए आपको बताना है कि कितना आपको चार्जेस अर्थात भाड़ा देना होगा। तो अभी देख लेते हैं 25 किलोमीटर के लिए, मैं यहां लिख देता हूं 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा आएगा जो कि आपको बताना है वो आपके पास आ जाएगा x प्लस 25 गुणा वाई, क्योंकि देखिए x तो आपके पास फिक्स है और 25 गुणा वाई क्योंकि आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x मतलब 5 प्लस 25 गुणा वाई अर्थात 10। तो देखो जब आप इसे हल करोगे तो 5 प्लस 250 आ जाएगा, अर्थात ये आप देखिए आपके पास ₹255 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर टैक्सी 25 किलोमीटर चलेगी तो उस व्यक्ति को ₹255 देने होंगे। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के, इस भाग को पढ़ लेते हैं। इस भाग में आपको दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 आपके पास हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी, तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो अभी आप देखो कि आप मान लीजिएगा जो आपने भिन्न मानी
वो x बटे y है, जहां पर x आपके पास अंश हो चुका है और y आपके पास हर हो चुका है। तो अभी आप देखो कि पहला कथन आपको बोला गया है कि अंश और हर आपको दोनों में दो जोड़ना है। तो देखो अंश में अगर आपने दो जोड़ा तो x प्लस दो, और हर में आपने दो जोड़ा तो y प्लस दो। फिर आपको बोला अगर आपने दो जोड़ दिया दोनों में तो आपके पास ये 9 बटे 11 के बराबर आ जाएगा। तो देखो आप ये 9 बटे 11 के बराबर आ जाएगा, तो इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दो। फिर आगे कथन में आप पढ़ोगे तो आपको बोला गया है कि अंश और हर दोनों में से आपने तीन जोड़ दिया है अभी, अर्थात अब आपने x में भी तीन जोड़ दिया और y में भी तीन जोड़ दिया, तो जो आपके पास भिन्न बनी वो 5 बटे 6 है, तो ये 5 बटे 6 बन गई। इसको आप समीकरण संख्या दो मान लीजिएगा। अभी आपने समीकरण संख्या एक और दो वो तो प्रश्न के शर्तों के हिसाब से लिख दी, अब यदि आप समीकरण संख्या एक को थोड़ा सरल करोगे अर्थात x और y को अलग अलग लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो देखिए यहां से आपके पास 11x बराबर 9y माइनस 4 आ जाएगा, तो इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दीजिएगा। अभी हमने इसमें तिरछा गुणा किया था, देखिए तभी हमारे पास ये वाली कथन आया था और हमने यहां से 11x का मान निकाल लिया, और मैं 11x को निकालने के बजाय इसको तीन समीकरण बोलने के बजाय मैं x का मान निकाल लेता हूं अलग से, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे जब प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दीजिएगा। अब बात आती है कि समीकरण संख्या दो आपके पास दी हुई है, तो आप इसको यदि सरल करना चाहते हैं तो सरल करें, अदरवाइज आप समीकरण दो और समीकरण तीन से इसको हल भी कर सकते हैं। तो अभी आप लिख सकते हो समीकरण दो व तीन से, अर्थात अब आप x का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दोगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11 प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर 5 बटे 6। तो अभी आप देखो कि जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9y माइनस 4। अब देखो जब आप इस 11 और यहां पर कुछ भी नहीं अर्थात एक लिखा होगा, तो आप इसका यदि लासापा लोगे तो आपके पास तो वो 11 आ जाएगा, अर्थात यहां 33 बटे, अब देखो 11 आपके पास y प्लस 3 से गुणा हो जाएगा बराबर 5 बटे 6। तो देखिए अगर आप इसको तिरछा गुणा करोगे तो इस तरीके से आप गुणा करोगे, तो देखो 6 का गुणा आप करोगे 9y प्लस, अब देखो 33 माइनस 4 को हम यहीं पर सरल कर लेते हैं, ये आपके पास 29 आ जाएगा बराबर 11 गुणा 5 आप पहले कर लो तो ये 55 आ गया, और यहां पर कोष्टक में y प्लस 3 आपके पास बच गया है। तो देखिए अगर आप 6 का 9y से गुणा करोगे तो आपके पास 54y आ जाएगा, प्लस अगर आप 6 का 29 में गुणा करोगे तो आपके पास यहां पर 4 इकाई का अंक आ गया और यहां पर 17 आ जाएगा बराबर, ये आपके पास 55y प्लस 165 आ जाएगा, क्योंकि 55 गुणा 3 165 हो जाता है। तो अभी आपको तो y का मान निकालना है, तो यहां पर आपके पास y अर्थात 54y को आपने दाईं तरफ पक्षांतर किया और 165 को आपने बाईं तरफ पक्षांतर किया, तो y बराबर 174 माइनस 165 आ जाएगा, अर्थात y का मान आपके पास 9 आ जाएगा। तो देखिए आपने y का मान तो निकाल दिया, अब आपको x का मान भी निकालना होगा, तो आप समीकरण संख्या 3 का सहारा ले सकते हैं। तो देखो आप समीकरण 3 में आपके पास था x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, तो आप y का मान यहां पर लगाओगे तो x बराबर 9 गुणा 9 हो जाएगा माइनस 4 बटे 11। तो देखिए 81 माइनस 4 बटे 11 अर्थात 77 बटे 11 आ गया, तो जब आप इसको सरल करोगे तो ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास x का मान 7 आ जाएगा। तो आपसे x और y का मान आपने निकाल दिया आसानी से। अब आप यदि प्रश्न देखोगे तो प्रश्न में आपको x और y नहीं पूछा है, अर्थात अंश और हर अलग अलग नहीं पूछा है, आपसे तो बोला गया है कि आपको तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो आप देखो आपने भिन्न तो x बटे y मानी थी, इसलिए आपके पास जो भिन्न आएगी वो आपने x बटे y मानी थी, तो आप x का मान यहां पर लगा दोगे। तो देखिए x का मान तो आपके पास 7 है और y का मान आप देख सकते हो यहां से आपके पास 9 आया है, तो इस तरीके से आपकी जो भिन्न आएगी वो 7 बटे 9 हो जाएगी। अब देखिए इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न के अंतिम भाग पर हम बढ़ते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि
पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी। और आपको अगले कथन में बोला गया है कि पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु आपके पास क्या हो गई। तो यहां पर जैकब और उसके पुत्र की आयु के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की वर्तमान आयु मान लीजिएगा। तो आपने जैकब की वर्तमान आयु अर्थात जो प्रेजेंट में अर्थात अभी जो उसकी आयु है आपने उसको एक्स मान लिया। फिर आप इसी तरीके से पुत्र की आयु भी मान लेंगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपने वाई मान ली। अब चूंकि आपने एक्स और वाई अर्थात आयु तो दोनों की मान ली, अगर आप अब कथनों को पढ़ोगे तो पहले कथन में है पांच वर्ष बाद, तो देखिए अभी वर्तमान आयु x और y है, तो पांच वर्ष बाद तो इसमें भी आयु पांच जुड़ जाएगी आपके पास, तो आपके पास जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस पांच और देखिए पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस पांच। अब यहां पर आप देखिए उसमें बोला गया है कि उसकी आयु पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी। अब यहां पर यदि आप चिन्ह लगाओगे तो यहां पर आपको बराबर का चिन्ह दिख गया यहां से, तो अब आपको यह देखना है कि आपके पास बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे भी बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए ये तो तब बराबर होगा जब ये आयु अर्थात जैकब की आयु पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाए, तो आपने तीन का गुणा इधर कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर इसको सरल करोगे तो आपके पास x प्लस पांच बराबर तीन वाई प्लस, अब देखो तीन का गुणा इस पांच से करोगे तो आपके पास पंद्रह आ जाएगा। तो देखो आपके पास यहां से एक्स बराबर तीन वाई, पांच को आपने दाईं तरफ पक्षांतर किया तो माइनस पांच हो गया अर्थात दस बच जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दो। अब यदि आप देखोगे दूसरा कथन, तो आपको बोला गया है कि पांच वर्ष पूर्व, तो पांच वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो मैं यहां पर दूसरे कथन को बनाऊंगा यहां पर। तो पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु तो x माइनस पांच हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भी तो पांच वर्ष पूर्व y माइनस पांच हो जाएगी। फिर बोला गया कि उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, तो इसी तरीके से जब बराबर करना है अर्थात आपने सात का गुणा इधर किया तभी तो वो जैकब की आयु के बराबर आएगी। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा x माइनस पांच बराबर सात वाई माइनस पैंतीस। इसको आप समीकरण संख्या दो बोल दो। तो अभी आप समीकरण संख्या एक व दो से हल करेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण एक व दो से। अब यहां पर आप देखो कि आप समीकरण संख्या एक अर्थात यहां से आप x का मान दो में प्रतिस्थापित ही करेंगे, तो अभी आप प्रतिस्थापन विधि ही यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा आपने कोई भी विधि नहीं सीखी है। आगे वाली प्रश्नावलियों में हम और भी विधि सीखेंगे, लेकिन अभी तो केवल हम प्रश्नावली विधि वो प्रतिस्थापन विधि को यूज करेंगे। तो आप x का मान रख दो 3y प्लस 10, देखिए आपने x का मान रख दिया यहां पर माइनस पांच बराबर ये 7y माइनस 35 आप लिख दोगे, तो आपने ये लिख दिया यहां से। फिर आप देखिए यदि आप इसको सरल करोगे तो आपके पास 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 आ जाएगा। तो देखो जब इसको हल करोगे तो ये 5 आ गया, तो 3y प्लस 5 बराबर 7y माइनस 35 आ गया। अब चूंकि आपको तो y का मान निकालना है तो आप y वाले पदों को एक तरफ लेके आ जाओ अर्थात 3y को आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दो और माइनस 35 को आप बाईं तरफ पक्षांतर करो, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 35 बराबर 7y माइनस 3y। तो देखिए 4y बराबर ये आपके पास जोड़कर 40 आ जाएगा, तो यहां से y का मान आपके पास 10 आ जाएगा। तो y का मान तो आपने निकाल दिया, अब आपको तो x का मान भी निकालना है क्योंकि x तो आपने जैकब की आयु मानी थी। तो अभी आप समीकरण संख्या एक में हल करेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण एक से। तो देखिए x माइनस सॉरी x बराबर 3y अर्थात 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो देखिए x बराबर 30 प्लस 10 आपके पास आ जाएगा और ये तो आपको जोड़ना है केवल, तो ये आपके पास 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने x भी निकाल दिया। तो अभी आपके पास देखिए x आपके पास जैकब की आयु थी और पुत्र की आयु आपके पास y थी, और ध्यान रखें ये वर्तमान आयु ही थी, तो आपसे देखो वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो यहां से आपके पास आप लिख सकते हो कि जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 और स्वाभाविक सी बात है ये वर्ष हो जाएगी, और यहां पर आपके पास पुत्र की वर्तमान आयु आपके पास 10 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है।